पूरे साल से चर्चा में आए बाबा के ढाबा वाले कांता प्रसाद आजकल काफी सुर्खियों में हैं। कभी रेस्टोरेंट से अपने ढाबे पर वापस आने को लेकर तो कभी गौरव वासन से माफी मांगने को लेकर। लेकिन आज बाबा के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो उनके सभी चाहने वालों को निराश कर देगी। दरअसल जानकारी के मुताबिक बाबा के ढाबा के संचालक कांता प्रसाद ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कांता प्रसाद ने कल देर रात नींद की गोलियां खा ली थी, जिससे उनकी हालत काफी बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि बाबा ने नींद की गोलियों के साथ शराब भी पी थी, जिससे उनकी हालत और नाजुक हो गई और उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पिछले काफी समय से बाबा परेशान चल रहे थे। आर्थिक स्थिति उनके परिवार की ठीक नहीं है और कुछ दिन पहले ही बाबा ने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट भी उन्हें अपना बंद करना पड़ा, क्योंकि वो वहां से पूरा खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे। कांता प्रसाद सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के जरिए देश भर में चर्चा में आए थे। उनकी मदद के लिए कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया था, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। कांता प्रसाद ने नया रेस्टोरेंट भी खोल लिया था, लेकिन वो करीब 4 महीने पहले बंद हो गया। इसी वजह से वो फिर से अपने ढाबे पर खाना बेचने लगे थे। बाबा के फिर से पुरानी जगह लौटने पर यूट्यूबर गौरव वासन ने कहा था कि कर्म से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। खैर, हम तो यही दुआ करेंगे कि बाबा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और पहले की तरह ही अपने ढाबे पर लोगों को खाना खिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।